फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में जो आप कंटेंट लिखते हैं उसको कॉपी पेस्ट या चोरी होने से कैसे बचाएं। तो इसके लिए आप अपने वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट में जाएंगे, उसके डैशबोर्ड में जाएंगे, फिर आपको एक प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक प्लगइन लिखेंगे WP। WP कंटेंट कॉपी प्रोडक्शन ये लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसकी इंस्टॉलमेंट है, 1,00,000 एक्टिवेशन है, तो ये सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है वर्डप्रेस के लिए। तो यहाँ से आप, ये मेरे में इंस्टॉल है तो ये अपडेट आ रहा है, नहीं तो आप में इंस्टॉल ना आएगा। यहाँ अपडेट ना कर देंगे, आप में इंस्टॉलेशन ना आएगा। इंस्टॉलेशन ना के बाद उसको एक्टिवेट बटन को प्रेस कर देना है। फिर ये आपका ये एक्टिवेट आपको हो जाएगा और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि प्लगइन्स में इंस्टॉल नाउ पे आप प्लगइन्स में आप क्लिक करेंगे। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका यहाँ पर ये वाला एलिमेंटर डाउनलोड हो गया होगा। ये देखिए वर्डप्रेस कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन ये एक्टिवेट हो गया है। तो अब आप अपने वेबसाइट में जाएंगे तो वो आपका जो आप कंटेंट लिखेंगे उसको कोई भी कॉपी पेस्ट या चोरी नहीं कर सकता है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट में जा रही हूँ, यहाँ से कोई भी कंटेंट आप उठाएंगे आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे मैं ये वाला ले रही हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगी। फिर यहाँ से आप इसको अगर कॉपी पेस्ट करेंगे, देखिए कॉपी नहीं हो रहा है। यहाँ से कोई भी कंटेंट अगर ये कॉपी कोई करता है और पेस्ट अपनी वेबसाइट पर करता है तो वो पेस्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कुछ भी आप पेस्ट किया, मैं दूसरा दिखाती हूँ, ये वाला देखिए, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ पर ये कॉपी नहीं हो रहा है। और अगर ये डीएक्टिवेट हो जाएगा तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। मैं आपको डीएक्टिवेट करके भी दिखाती हूँ कि डीएक्टिवेट करने पर एक पूरी कॉपी हो जाएंगी। जैसे ये है, ये वर्डप्रेस कंटेंट है, मैं इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ। डीएक्टिवेट हो गया, अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश होने का देखिए ये कॉपी हो रहा है। कोई भी कंटेंट आप ले लीजिए यहाँ से, हाँ पूरा कॉपी, कोई भी अपनी वेबसाइट में अगर वो अपना चला रहा है तो उसको वो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकता है। इसमें है, आप इसको रिफ्रेश करके देखिए, सारे कॉपी हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ करके कॉपी करके वो पेस्ट कर सकता है। और यही आप अगर ये वाला वर्डप्रेस कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं तो आपका कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। तो आप इसको एक्टिवेट करके अपने वर्डप्रेस कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर देती हूँ। वर्डप्रेस कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन है ये इसका नाम, और यहाँ पर मैं एक्टिवेट कर देती हूँ।
और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब ये मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगी तो वो कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा। ये है, जैसे मैं इसको भी रिफ्रेश कर दे रही हूँ। ये है, ऐसे ही आप कोई भी चीज़ को चेक कर सकते हो। आप ये मेरे वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कॉपी पेस्ट, अगर आप मेरे नीचे वेबसाइट में दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर जाएंगे, आपको कॉपी करेंगे, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इसे कोई भी कंटेंट यह है। ये देखिए मैं इसको कॉपी कर रही हूँ पर ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट और चोरी होने से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।